नमस्ते। आज श्री गणेश जी के आगमन का पांचवा दिन है। आज हम श्री गणेश जी की एक और नई कहानी सुनेंगे, श्री गणेशाय नमः। एक बार की बात है, गजमुखासुर राक्षस ने श्री शिव जी को प्रसन्न कर उनसे शक्तिशाली होने का वरदान मांगा और श्री शिव जी ने यह वरदान उन्हें दे दिया, पर कहा कि आप कभी भी इस शक्ति का गलत उपयोग नहीं करोगे। गजमुखासुर ने कहा कि हाँ, मैं इस शक्ति का कभी भी गलत उपयोग नहीं करूँगा। पर गजमुखासुर को अपनी शक्ति का अभिमान हो गया था और उन्होंने उस शक्ति का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया था। यह बात श्री शिवजी को पता चली और श्री शिवजी ने श्री गणेश जी से कहा कि आपको गजमुखासुर को उसकी सजा का फल देना होगा। अपनी बुद्धि और कौशलता से श्री गणेश जी उनसे वह युद्ध जीत गए। यह कहानी यही समाप्त हुई। गजमुखासुर को हम श्री गणेश जी के बाहर मूषक जी भी कहते हैं। यह कहानी हमें दो बात सिखाती है। पहली बात, जब जब हमारा रास्ता और दिशा गलत होगी, हमारा फल हमेशा गलत ही होगा। दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो यह है कि हमें कभी भी खुद पर अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारा अभिमान ही हमें नष्ट करेगा। आज हमारे घर के श्री गणेश जी का विसर्जन है। हम श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि वह सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें और आनंद में रखें। आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप आने वाले जो 6 दिन के वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले देख पाओ। गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। जय हिंद।